हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये हमारे नितिन भाई साहब हैं और इनसे रिकवरी के लिए बात कर रही है रिकवरी की एजेंट, और ये किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप इस तरीके से जवाब देना सीख गए ना, बस हरेसमेंट खत्म। तो आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैडम जी, कॉल आ रही थी आपकी। क्या नाम है आपका? नितिन बोल रहा हूँ। नितिन, कब फोन आया आपके पास? अभी नहीं मैम, अभी तो नहीं आया, दिन में आ रहा था। इस टाइम कितने बजे बताएंगे आप मुझे? अरे मैडम जी, आप ये बता दीजिए ना, काम क्या है? क्रेडिट बी कहाँ से बात बोल कर रहे हो? क्रेडिट बी से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, आपका लोन वोन चल रहा है क्रेडिट बी से? हाँ चल रहा है, बेकार कंपनी है। बेकार कंपनी है? क्यों बेकार है मैम? कोई सर, लोन नहीं। लेते टाइम नहीं सोचा आपने बेकार है या अच्छी है? नहीं मैडम जी, नहीं सोचा मैम, चीज लेने के बाद ही पता चलती है ना कि खराब है कि सही है। आप मेरे से बिना बात करे बता दोगे कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं पता चलेगा ना जब तक चीज लोगे नहीं या बात नहीं करोगे, ये बात तो है ना। तो चीज लेने के बाद ही पता चली खराब है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई ये बताइए मुझे, एक मिनट रुक जाइए। मैडम जी, आप क्या सीईओ हो क्या कंपनी की? क्या होगी? सीईओ हो क्या कंपनी की? हाँ जी। अच्छा, सी क्या नाम है आपका? नैन्सी बात कर रही हूँ मैं। मैम पूरा नाम तो बता दीजिए। हाँ जी, पूरा नाम तो बता दीजिए। नैन्सी चौधरी। नैन्सी चौधरी जी। नैन्सी चौधरी तो नाम आ नहीं रहा क्रेडिट बी के सीईओ का। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैम मेरे को नहीं लग रहा, मैं गूगल देख के बता रहा हूँ आपको। मतलब आपने लोन लिया था उस टाइम, मतलब आपको समझ नहीं आया, अब उसमें कमियां निकाल? मैडम जी, लोन लिया था तो लोन लेने के बाद ही तो समझ आया ना, हमें क्या पता था रेफरेंसेस पे कॉल करके गाली गलौज करते हैं। नितिन कुमार? हाँ नितिन कुमार। ये मैं बता देती हूँ, मेरे पास तो ये आपका अमाउंट जो है, हाँ, ये 5,000 है। मेरा अमाउंट आपके पास 5,000 है, रख लीजिए उसको। फिर रख लीजिए, इसको पे नहीं करेंगे आप? नहीं। क्यों? कह तो दिया मैंने, कांटेक्ट और रेफरेंसेस पे कॉल करी गई है तो क्यों पे करा जाए? मतलब दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कांटेक्ट और रेफरेंसेस में कॉल करी गई है तो क्यों पे करूँ मैं इसको? रेफरेंस पे कॉल करी गई है? हाँ जी मैम, ऊंचा सुनते हैं क्या थोड़ा? सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैम दो बार रिपीट करवा लिया, तीसरी बार आप फिर से पूछ रहे हो, कोई नई बात थोड़ी है। 5,000 में से एक भी पे नहीं करेगा ना आपने? हाँ तो मैडम जी क्यों करें, कह तो रहा हूँ सर, करना तो पड़ेगा ना लोन। मैम आप एक काम करो, पूरे जोर लगा लो मैम, पूरा जोर लगा लो, पर पेमेंट नहीं होगी ये वाली। चैलेंज दे रहे हो? बिल्कुल मैम, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो मैम। और अगर तो सर प्यार से कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? मैम प्यार से मैम अगर पहले मांगते तो कर देता, पहले स्टार्टिंग से ही कांटेक्ट और रेफरेंस पे कॉल करके गाली गलौज जब दे रहे थे, जब प्यार कहाँ चला गया? मैम आपके जैसे एग्जीक्यूटिव थी कोई? किसने क्या करी है मैडम जी? मेरे को आप भी पता थोड़ी है कौन हो। अब आप नैन्सी हो, साक्षी हो, क्या पता चल रहा है? ट्रूकॉलर में नाम कुछ और आ रहा है, आप अपने वर्बली मुंह से कुछ और बता रहे हो। आप... मैं आपसे ये बोल रही हूँ, क्रेडिट बी का ऐप डाउनलोड कर रखा है ना, आप उसमें देख लीजिए आप कितना अमाउंट आपका पेंडिंग में। क्यों देख लूँ, वो तो पहले भी दिख रहा था जब गाली दी थी कॉन्टेक्ट में, वो तो जब भी दिख रहा था। ऐसा थोड़ी है कि तुमने रेफरेंस और कॉन्टेक्ट में कॉल करके गाली गलौज करी उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है एप्लीकेशन नहीं में। ये चीज गलत है, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी। तो करो कुछ, करो फिर इसका डिटेल निकालो, पिछले महीने किसके पास था ये केस? सर अभी तो पिछले महीने का तो पता नहीं है मुझे, बट मेरे पास तो इसी महीने आया है आपका। तो ठीक है फिर, पिछले महीने का पता करके कॉल करना मुझे, ठीक है? मतलब वैसे पेमेंट नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं मैडम जी, गाली गलौज करने, माँ बहनों को गाली गलौज करने के बाद में कोई पेमेंट ना होती। आपको तो मैंने बोला ही नहीं कि आपने किया, एक बार भी मेरी कॉल पे आपको बोला कि आपने कराया ऐसा? मैंने बोला क्रेडिट बी की कलेक्शन एजेंसी ने किया है, मुझे सब पता है मैम, ये थर्ड पार्टी एजेंसी है, ये बैठी होगी दिल्ली दिल्ली में ही बैठे होंगे, आप भी कहीं बाहर से नहीं बोल रहे। अभी जैसे बोलते ना बैंगलोर से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो दिल्ली में ही दे रखा उन्होंने अपना काम थर्ड पार्टी को। अच्छा हाँ जी, पता तो सब कुछ है, तो देख लीजिए अगर निकल सकता है डिटेल दे दो, पैसे ले लो। सर अगर होता ना डिटेल्स, मेरी बात सुनिए, अगर मेरे पास होती ना डिटेल्स तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको डिटेल्स दे देती निकाल। मैम देखो आपको तो आपको हमारे पास भी केसेस आते हैं, वो भाग जाते हैं। मैम एक बात सुनिए, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हर महीने फाइल जो है इधर उधर घूमती रहती है, मैं मना नहीं कर रहा, जब आपको इतना बट मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ
कोई कस्टमर अगर आपसे लोन ले रहा है, ठीक है, अगर उसके रेफरेंसेस में कॉल करके गाली गलौज कर रखी है, उसने कंपनी को मेल कर रखी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के साथ, कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रही, तो क्यों कस्टमर पेमेंट करेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपना, आप अपने आप को लेके चलो, आपने लोन लिया, आपने कॉन्टेक्ट, इवन कोई लीगल राइट्स नहीं है किसी भी कंपनी के, किसी के कॉन्टेक्ट लिस्ट को तुम हैक करो, ठीक है, ठीक है, नहीं, तुम नहीं, वो बात तो सही है आपकी। आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करी कंपनी ने, इवन मैम आपने अगर मान लो 5,000 भी लिया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट रेफरेंसेज में किसी को भी एक्स वाई जेड कॉल करके उल्टा सीधा बोला जा रहा है, औकात नहीं है, 5,000 रुपए भरने की, चोर है, ये है वो है, तो किसका मन करेगा भरने का होने के बाद भी? वो तो मैं समझ रही हूँ, कोई भी नहीं भरेगा जिस तरीके से आप तो बस वही मेरा, मैम मेरा नेचर बिल्कुल अलग थोड़ी है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ बिहेव जैसा दूसरा पर्सन करता, अगर पर्सनली लेवल पे अगर सोचे एजेंसी वाले तो वो भी ये बोलेंगे क्यों पे करेंगे यार जब गाली गलौज दिया जा रहा है, तो सीधा सा लॉजिक है। नहीं मैम अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, जब आप, मैं कह दे रहा हूँ आप मेरे को उनके मेल का रिस्पॉन्स, अगर मेरे पास होता ना ऐसा कुछ, मैम देखिए अच्छा चलिए ठीक है, आप, मैं कह रहा हूँ आपके पास नहीं है, मैं एग्री कर रहा हूँ, बिकॉज आपके पास फाइल हर महीने अलग अलग आती है, ठीक है, कौन सा बंदा मेरे टच में रहा है कौन सा नहीं रहा वो आपको नहीं पता होगा मैम, बट कंपनी अगर किसी कस्टमर का डेटा डिस्क्लोज कर रही है किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को, तो उसको पता होगा ना कि इस कस्टमर को किसने कॉल करी है, ये तो आप मानते हैं ना, आपका नहीं है मेरे को पता है एक्सेस कंपनी का तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक्स वाई जेड किसी को भी दे दिया कि ये ले भैया डेटा ले और कॉल करना स्टार्ट कर दे, भाई कंपनी की तरफ से ही तो डिस्क्लोज गई ना है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप पेमेंट करवा देते तो करवा ही देते सर। मैम मैम देखिए मैम बिल्कुल करवा देता, अगर आप मेरे को पिछले महीने इस तरीके से बात कर लेती ना तो शायद हो जाती, बट बात तो हुई नहीं है इस तरीके से, मैं बता तो रही हूँ मैंने ज्वाइन इस महीने कराया, तो फिर मैम तो आपको पिछले महीने ज्वाइन करना चाहिए था ना, या फिर उनको थोड़ी सी अक्ल दो जो आपसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके आप बता रहे ना हमारी तरफ से तो कॉल आया नहीं है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, दूसरी चीज ये मैंने आपको बता दिया 5,000 है, अगर आपके पास पूरा नहीं है तो कुछ पैसा कर लीजिए अभी। मैम आपकी तरफ से आया या नहीं आया ये तो भगवान जाने और आप जानो, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस तरफ हो, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि ये केस किस तरफ था पिछले अभी ने, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप कह रहे हो ना हमारी तरफ से नहीं करा गया, मैम जैसे आप कह रहे हो मैं क्रेडिट बी के बिहाफ से बोल रही हूँ, ऐसे ही कॉल करी गई थी, ठीक है, मैंने उनसे बोला कि ठीक है एक दो दिन में पेमेंट हो जाएगी, नहीं भी कॉल करा, देखो मुझे नहीं पता आपके पास किसने गाली गलौज करी है, ठीक है, तो मैम फिर तरीके से आप मैं बता तो, रहे हो ये गलत है, नहीं करना चाहिए था मैम, ऐसे वर्बली बोलने से क्या होगा जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ, मैं क्या करूं इससे ज्यादा, मैं क्या कर सकती हूं, मैम आप एक काम करो, अगर कर सकते हो तो कंपनी में एक मेल डाल दो कि भैया कस्टमर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो मेल भी कर चुके हैं बट क्रेडिट भी से कोई रिस्पांस नहीं आया, अच्छा उस टाइम पे जब गाली गलौज करी थी तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी उनकी? मैम रिकॉर्डिंग भेजी हुई है मेल में ऑडियो अटैच तो करके, तो सर वो फिर आगे हो गया होगा ना प्रोसेस, क्या हो गया होगा मैडम जी, एस्केलेशन मैम एस्केलेशन अगर होगा कस्टमर को तो मेल का रिस्पांस दोगे आप, तो दिया नहीं आपको मैम, नहीं दिया तभी तो आपको कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए रिमाइंडर भेज के, आप रिकॉर्डिंग सुनिए जरा, उस रिकॉर्डिंग को सुन के आप बोलेंगे यार सर आपके साथ तो वाकई में ऐसा हुआ है तो आप मत करिए पेमेंट रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक्चुअली देखिए मेरे साथ नहीं कॉल करी गई, कॉल करी गई है मेरी बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, उनको कॉल करके अब्यूज किया गया, अगर मैं होता मेरे साथ होता तो ठीक है भाई, सामने वाला अगर बदतमीजी से बोल रहा है तो हम भी बोल देते, ठीक है, बट वो अब चीजें ही वो हुई हैं, उसमें क्लियर बोल रहे हैं कि इसकी औकात नहीं है, चोर है, ये है वो है, अब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले मैम शायद मैं आपसे वर्बली नहीं बोल सकता, वो अगर आप ऑडियो सुन लेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं सर आप रहने दीजिए, जिसने भी करा गलत किया सर, नहीं करना चाहिए था, तो बस एक बार मैम एक बार मैंने हत्ते चढ़ जाए बस फिर मैं बताता हूँ, बट वही है कि हत्ते तभी चढ़ेगा जब उसकी डिटेल्स निकलेंगी, क्योंकि आप लोगों को पर्सनल नंबर तो देते नहीं है, कंपनी का ही नंबर होता है और वो भी पता नहीं किसके नाम से रजिस्टर्ड होगा वो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ ये वैसे भी कंपनी के जो नंबर होते हैं ये, और वैसे भी ऐसे नंबर होते हैं जो आपके पर्सनल यूज के लिए तो होते नहीं है, तो नंबर की अगर इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे एफआईआर करके तो नंबर किसी और का रजिस्टर्ड मिलेगा, ये भी है, वो भी बात सही है, तो देख लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, इतना कंपनी की तरफ से आप मेल कर सकते हैं कि कस्टमर कह रहा है भैया जो हुई है चीजें, एक काम करो ना आप एक बार आप खुद ही मेल कर दो सर, मैम मैंने कर दी फिर से, अगर आप कहते हैं तो कर देता हूँ फिर से सर, हाँ एक बार कर लीजिए,
ठीक है और सर फिर एक बात बताइए मुझे, तो पेमेंट क्यों रोक रहे हो, पेमेंट तो करवाइए ना सर। मैम फिर वही बात घूम फिर के। अरे मैडम जी पेमेंट के अलावा कुछ और भी सोच लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज भी होती है किसी सर, इंसान सोच तो की। लीजिए, हम भी तो है? इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। नहीं मैं कह रहा हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज, अरे आपको ठीक है टारगेट मिल गया, आपकी जॉब है, मैं मान रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो कस्टमर की जिसके इंटेंशन ही जबरदस्ती रोकने की, उसकी भी मैंने मान लिया कि वो गलत है, उसको आप बार बार बोल लो, बट यहाँ तो आपको सारा मैं बता ही रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। अब ये सब होने के बाद भी अगर आप एक ही बात बोल रहे हैं कि पेमेंट पेमेंट, तो कहीं ना कहीं तो फिर आप भी बस पेमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि कस्टमर ने क्या गाली खाई सर, क्या। तो मैंने बोला तो है आपको, नहीं तो आप बोलने से बोल नहीं रहे हो होता ना ना कि मैम, मैं तो कह रहा हूँ जी। आप ठीक है मैं मेल कर देता हूँ इसकी एक बार और, बट जब तक ये मैम सॉल्व नहीं होगा जब तक पेमेंट नहीं होगी मैम। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।